दोस्तों नमस्ते, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम एक रोचक तथ्य जानेंगे। गोल्ड स्मगलिंग जो करते हैं उसमें कस्टम को बहुत बड़ा, हमेशा से क्या हुआ है कि बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगती रही है कस्टम को। तो अभी चेन्नई कस्टम को बहुत बड़ा कामयाबी हाथ लगा है, जो अप्रोक्स 3.15 किलो सोना उन्होंने जब्त किया है 29 नवंबर को। आज से ठीक 4 दिन पहले उन्होंने जो ये सोना जब्त किया है उसकी जो वैल्यू है 1,57,00,000 रुपए की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो पैसेंजर होते हैं गोल्ड वाले, ये सारे दुबई से होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है दुबई में कितना गोल्ड है। तो ये जो 8 पैसेंजर जो दुबई से आ रहे थे 28 और 29 को, जब वो पहुंचे हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे, तो कस्टम विभाग को कुछ थोड़ा शंका हुआ उनके ऊपर। उनकी पूरी चेकिंग की गई, तो उसमें जो 3 मास्टरमाइंड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी स्मगलिंग जो होगी वो अप्रोक्स 1 करोड़ की होगी तब अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो केस है 1.7 CR का था, तो उसमें उनमें जो मास्टरमाइंड थे 3 आदमी उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी पैसेंजर 8 थे उनको छोड़ दिया गया बाकी को, और 3 को अरेस्ट कर लिया गया। तो जब 3 को अरेस्ट किया गया तो ये गोल्ड कैसे ला रहे थे? देखिए, जो स्मगलर होते हैं ना उनका दिमाग उसी हिसाब से चलता है और वो पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो जो इसमें जो पकड़ा गया गोल्ड, आप ये जान लीजिए कि जो 64 गोल्ड की सीटें पकड़ी गई, उसके बाद जो एक पेंट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में गोल्ड पकड़ा गया, जो पेंट के डब्बे में रखा हुआ था। तो ये जो 64 सीटें थी, वो जो भी उसके अंदर लैपटॉप थे या जो उसके अंदर एक LCD मॉनिटर था, तो उसके जो कार्टन थे, जो कार्टन जिसमें पैक किया गया था, उस कार्टन के अंदर गोल्ड की सीटें लगाई गई थी। सोचिए कि जो स्मगलर है उनका दिमाग कितना चलता है। और भी इसी तरह से जो लैपटॉप में रैप किया गया था उसके अंदर, उसके बाद में देखिए उसके बाद में क्या था कि मॉनिटर था, उसके बाद में गोल्ड पैकेट में भी, जिनके पैकेट से गोल्ड बरामद किए गए थे उनको अरेस्ट किया गया, उनके पैकेट में भी गोल्ड था। और ये एक फॉइल टाइप का था, फॉइल टाइप का मतलब कि बहुत ही पतला परत था गोल्ड का, जो कार्टन के बीच में रखा गया था, जिससे बस अगर कोई खोले भी तो उसको लगे नहीं ये तो कार्टन है, ये नथिंग है, लेकिन उसके अंदर गोल्ड को छुपाया गया था रैप में। और उसका जो टोटल, हाँ जो टोटल पकड़े गए, जैसे सोचिए कि हम और आप यही जानते हैं कि गोल्ड के बिस्किट होते हैं, ये एक नया फॉर्म है जो स्मगलर है वो जो कर रहे हैं कि उसको रैप, मतलब एक मतलब गत्ते के भीतर छुपाना। उसके बाद सबसे मेन थिंग ये देखिए, पेंट के डब्बे में, पेंट के फॉर्म में गोल्ड को करके ला रहे थे, लेकिन कस्टम की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे स्मगलरों को पकड़ रहे हैं। हालांकि पीछे भी एक गोल्ड का मैटर बहुत उठा था। तो जान लीजिए, अपने देश में सबसे बड़ा स्मगलिंग गोल्ड का होता है, और आए दिन कस्टम विभाग को IGA एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे और जहां जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे सबसे ज्यादा जो कस्टम सीजर करता है वो गोल्ड का ही करता है। और फिर भी जो स्मगलर है वो मानते नहीं और नए पैतरा अपनाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पे। नमस्ते, धन्यवाद।